तो महावीर गुप्ता का अब रुख क्या रहेगा कैथल विधानसभा को लेकर, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में है और कांग्रेस के अन्य पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में? ना मेरे पास आम आदमी की सदस्यता है, ना मेरे पास कांग्रेस की सदस्यता है। सुशील गुप्ता की सदस्यता तो है, सुशील छोटा भाई है, इसी तरह से आदित्य मेरा भतीजा है। मैं ये कहता हूँ झाड़ू वाले झाड़ू को दें, मुझे पार्टी बाजी से कोई लेना देना नहीं है, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मेरा भतीजा है आदित्य, मैं खुल के उसके साथ। लेकिन लोकसभा में तो आप सुशील गुप्ता के साथ और उसमें लगे हो, वो भाईचारा में उनके साथ आया हूँ और भाईचारा में आदित्य के साथ। गुप्ता जी की बात नहीं मानी जाएगी, भतीजे के साथ लगेंगे। गुप्ता जी की भी बात मानी जाएगी, लेकिन कैथल में आदित्य की बात मानी जाएगी। सारी कैथल के निवासियों को भाई वोट जात पात से ऊपर उठ के दे और उस कैंडिडेट को दे जो यहाँ से जीत के निकले और पूरे इंडिया में सबसे कम उम्र का हमारा विधायक बने और आपकी आवाज को बुलंद करें। नमस्कार, फिलहाल गांव शेरगढ़ में हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता के भाई जो है महावीर जी हमारे साथ हैं और जो आदित्य सिंह सुरजेवाला के प्रचार प्रसार में जुटे हैं, जहां पर अब कांग्रेस को कैथल विधानसभा में जो है वो मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। महावीर जी से बात कर रहे थे। महावीर जी, क्या हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं यहाँ अपने पारिवारिक संबंध की वजह से आया हूँ, मेरे लिए पार्टी बाजी से ऊपर उठ के मेरे इनके दादाजी के साथ शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के साथ, रणदीप जी के साथ, अब ये मेरा भतीजा है तो इसका जोर शोर से अपना जिताने की वो करें। जात पात से ऊपर उठ के मैं चाहता हूँ एक नौजवान बच्चा आए जो कि अपना हरियाणा की सेवा करे, कैथल की सेवा करे। तो महावीर गुप्ता का अब रुख क्या रहेगा कैथल विधानसभा को लेकर, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में है और कांग्रेस के अन्य पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में? आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जरूर मैदान में है, लेकिन जो आदित्य काम कर पाएंगे मैं समझता हूँ ये सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं। और मैं सबसे निवेदन ये भी करता हूँ, जो आदमी जीत की तरफ जा रहा हो बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए हमने उसका साथ देना जरूरी है। तो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, तमाम आपके रिश्तेदार आपके मित्र प्यारे आपको देख रहे हैं जी, तो उनसे क्या अपील रहेगी अब की बार झाड़ू को छेड़कर कौन सा वाला निशान को? मैं ये कहता हूँ झाड़ू वाले झाड़ू को दें, मुझे पार्टी बाजी से कोई लेना देना नहीं है, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मेरा भतीजा है आदित्य, मैं खुल के उसके साथ। लेकिन लोकसभा में तो आप सुशील गुप्ता के साथ और उसमें लगे हो, वो भाईचारा में उनके साथ आया हूँ और भाईचारा में आदित्य के साथ आया। तो इसका मतलब महावीर गुप्ता लोकसभा में भले ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ चल रहे हो, लेकिन कैथल विधानसभा में अब आदित्य सिंह सुरजेवाला का साथ देंगे? मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं पहले भी पार्टी के लिए नहीं आया था, आज भी मैं पार्टी के लिए नहीं आया हूँ, मैं आदित्य सुरजेवाला के लिए आया हूँ। और यहाँ से मैंने लीलाराम गुजर का गाँव भी देखा था, घर घर जाके मैंने देखा था, वो ऐसा था। विनोद भाई यहाँ खड़े हैं, उसकी फोटो भी मेरे पास है। मैं तय दिल से ये चाहता हूँ ऐसे आदमी को आप वोट दें जो जीत के असेंबली में भी जाए और इनकी सेवा करे और तट की काम करे। तो महावीर गुप्ता आप ग्राउंड जीरो पर आदित्य सिंह सुरजेवाला के लिए प्रचार प्रसार और वोट मांगते हुए नजर आएंगे? जी, मैं तो एक हफ्ते से इस काम में लगा हुआ हूँ, मुझे पार्टी बाजी से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल महावीर गुप्ता हमारे साथ थे, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता उनके भाई हैं, लेकिन कैथल विधानसभा में वो आदित्य सिंह सुरजेवाला का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर अब उनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। यहाँ साफ तौर पर ये कहें कि अन्य पार्टियों के भी जो नेता हैं वो कांग्रेस के साथ और आदित्य सिंह सुरजेवाला के साथ नजर आएंगे और लगातार कांग्रेस पार्टी और आदित्य सिंह सुरजेवाला अब कलायत विधानसभा में मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो कहां देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी, सारे शेरगढ़ के निवासियों को, सारी कैथल के निवासियों को भाई वोट जात पात से ऊपर उठ के दे और उस कैंडिडेट को दे जो यहाँ से जीत के निकले और पूरे इंडिया में सबसे कम उम्र का हमारा विधायक बने और आपकी आवाज को बुलंद करे। गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी का फोन आएगा फिर आप क्या करोगे? सुशील गुप्ता जी का आएगा वो पार्टी बाजी के लिए अलग बात है, मैंने आज तक ना पार्टी की सदस्यता। वीडियो देख कर सुशील गुप्ता आप पे फोन करेंगे, कोई बात नहीं, अरविंद कहेंगे कड़ा लग गया। तो सुनो सुनो सुनो, ना मेरे पास आम आदमी की सदस्यता है,
ना मेरे पास कांग्रेस की सदस्यता है। सुशील गुप्ता की सदस्यता तो है। सुशील छोटा भाई है, इसी तरह से आदित्य मेरा भतीजा है, मैं इसलिए लगाऊंगा। तो गुप्ता जी की बात नहीं माननी जाएगी, भतीजे के साथ लगेंगे। गुप्ता जी की भी बात मानी जाएगी, लेकिन कैथल में आदित्य की बात मानी जाएगी। चलिए सुशील गुप्ता जी, अब फोन करने की जरूरत नहीं है, जवाब आपको यहीं से मिल गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राय दें। महावीर के प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।